हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए दो तीन एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ। तो देखिए, एक तो आप देख लीजिए क्या करेंगे आप। खाना खाने के पहले, चाहे खड़े हों चाहे वज्रासन में बैठ जाएं, खाना खाने के पहले आप अपनी मुट्ठियों को ऐसे खोलेंगे और ऐसे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे पूरा बंद करेंगे। आपके नाखून पूरे फाइल होना चाहिए, नाखून कटे हुए होना चाहिए। ये सारे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, लीवर के, पेनक्रियास के और सारे एब्डोमिनल एरिया के। तो ये उससे सारे स्ट्रांग होंगे, पेनक्रियास स्ट्रांग होगा, जिससे हम नेचुरली इंसुलिन फॉर्म करने लगेगा। तो आपको अपने शोल्डर लेवल में रखना है, पूरे हाथ सीधे स्ट्रेट, और 20 बार आपको खाना खाने से पहले ऐसे बंद करना है, खोलना है, टाइट बंद करना है, टाइट खोलना है, इतने टाइट बंद करना है कि यहाँ पे आपके निशान पड़ जाए। तो खुद टाइट बंद करना है, 20 बार खोलना है। ये कर लिया आपने, अब आपको खाना खाने के बाद ऐसे बैठना है वज्रासन में, ठीक है। इसमें बैठना आप चाहे आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपसे ना बैठा जाए तो यहाँ तक क्या रख लीजिए या नीचे तक क्या रख लीजिए, ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। कैसे भी अपने आपको कम्फर्टेबल रखे, बेड पे बैठ जाइए, बिस्तर पे, ऐसे करके आपको बैठना है कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा, आधा घंटा जितने भी बैठ सकते हैं। देखिए पीछे से पोजीशन ले लीजिए, देखिए दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए रहेंगे, दोनों एड़ियां हिप के साइड में रहेंगे, ऐसी पोजीशन बनाना है आपको, और भी स्ट्रेट आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी, ऐसे करके आपको बैठना। अब आप चाहे मोबाइल चलाते रहे, चाहे आप टीवी देखते रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे बैठना है कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, मतलब इतना भी ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा बैठ सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए खाली पेट आपको करना है। लेडीज ध्यान रखे मेंसेस में ना करे, और बाकी जेंट्स हमेशा कर सकते हैं। देखिए दोनों हाथ ऐसे ले लीजिए, ये अंगूठा अंदर लॉक कर लीजिए, ये अंगूठा अंदर लॉक कर लीजिए, और मुट्ठियों पे ऐसे बांध लीजिए। अब इसको आप ऐसे यहाँ पे रख लेंगे, बिल्कुल आपके जॉइंट में, जहां पेट खत्म होता है, जहां थाई स्टार्ट होती है, वहां पे आपके जॉइंट में रख लेंगे दोनों को सबसे नीचे, ठीक है। और पेट अगर आपका है तो पेट आप ऊपर उठा लीजिए और फिर यहाँ रख लीजिए, सेट कर लीजिए। अब ब्रीथ इन करेंगे, सीधे कड़क बॉडी ले जाके डाउन करेंगे और सामने देखेंगे, फिर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट डाउन, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा रुकना है, ब्रीथ इन अप करके भी थोड़ा सा रुकना है और डाउन करके भी आपको थोड़ा सा स्टे करना है कि वहां पे लोड आए आपके, ठीक है। ब्रीथ इन अप अब अगर किसी वजह से आप वैसे मुठ्ठियां बांध के नहीं रख पाते हैं तो आप एक हाथ यहां रख लीजिए, इसके ऊपर यह हाथ रख लीजिए, फिर ब्रीथ इन अप कीजिए, ब्रीथ आउट डाउन कीजिए, सामने देखिए, फिर ब्रीथ इन अप विदाउट डाउन। इसको करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, या तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग इसको कीजिए, 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स स्टार्ट कीजिए और 20 टाइम्स तक ले जाइए। या फिर आप अगर शाम को कर रहे हैं तो आपका खाना खाए को 4 घंटे हो चुके हों, आपके पेट में लिक्विड होगा चलेगा, ठोस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, देख लीजिए ब्रीथ इन डाउन, ये भी इसमें नाक और सिर को टच कर लीजिए। इसमें देखिए आपका पेनक्रियास भी वर्क कर रहा है, पेनक्रियास की मालिश हो रही है, उस पर इफेक्ट आ रहा है, जो इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार है वो पेनक्रियास। और सेकेंड भी क्या है कि इससे आपका डिप्रेशन कम होता है, और क्योंकि डायबिटीज का माना जाता है डिप्रेशन से, तनाव से और बढ़ती है, स्ट्रेस लेने से बढ़ती है। तो जब आप ये बालासन चाइल्ड पोज जब करते हैं तो आपका डिप्रेशन रिलीज होता है, तो उससे भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है, प्लीज। और प्लस ये आपका पेनक्रियास वर्क कर ही रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है वो,
अंदर से घबरा गए यहां से। अब देखिए और इसमें देख लीजिए, देखिए मैं तीन चार है जो भी डायबिटीज की है वो सारी मैं आपको करा देती हूँ, तो आप इसको अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो आप कर सकते हैं जितने टाइम कर सकते हैं उतना कीजिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, या दो आज कर ली दो कर ली ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे बिना विदाउट डाउन, देखिए आपको यहां से पकड़ लेना है और फिर सर झुकाना है, यहां से अगर आप नहीं पकड़ पा रहे स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहां से पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सिर झुकाना है। देखिए आपका ये पार्ट जो लोअर पार्ट है एब्डोमेन एरिया का वो आपका ऐसे होना चाहिए, तभी पेंक्रियास इफेक्ट आएगा और वो आपका वर्क करेगा, लीवर अच्छा वर्क करेगा जिससे आपका डाइजेशन ठीक होगा, तो ये सब चीजों को मिला के आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। तो पश्चिम उत्तासन है, देखिए पश्चिम उत्तासन है ये, इसमें आप उससे कीजिए जितने देर रुक सकते हो, ये कर लिया आपने। अब इसके बाद आप पैरों पे से लेट जाइए घुटनों पे, देखिए घुटनों पे नहीं लेट पाते हो तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। देखिए ये होता है लास्ट में अट्टहासासन, अट्टहासासन करना बहुत जरूरी है क्योंकि डिप्रेशन तनाव ये शुगर को डायबिटीज को बढ़ाता है, इसलिए अट्टहासासन करेंगे अपन, हंसेंगे जोरों से तरीके से, देखिए ऊपर उठिए, देखिए अट्टहासासन कर लीजिए लास्ट में तो आप अच्छे से हंसते हुए रहेंगे और आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। देखिए डायबिटीज एक बार हो जाती तो कभी खत्म नहीं होती है, इसके लिए आप शुगर बिल्कुल छोड़ दीजिए और आप फ्रूट्स का यूज करिए, अगर आप कोई मीठा खाना चाहते हैं तो आप खारा किया जो है वो रहती है फिर खजूर डेट्स या खारक का यूज कीजिए, खारक पीस के रख लीजिए उसमें अपना स्वीट बनाइए मीठा बनाइए तो वो आपको प्रोटीन भी देगी फाइबर भी देगी और शुगर कंट्रोल करेगी, ठीक है। और आप ये वाली हाई शुगर बिल्कुल छोड़ दीजिए एकदम, अवॉइड कीजिए इसको बिल्कुल भी, और लिक्विड तो बिल्कुल ना पिए, फ्रूट्स में आप जूस बिल्कुल ना पिए क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जाती है उसकी शुगर, तो जूस बिल्कुल छोड़ दीजिए और आप फ्रूट्स खाइए आराम से, सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं सिर्फ केला अंगूर चीकू वगैरह को छोड़ के, तो जो है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होता है स्टार्च तो इसकी वजह से आपको ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, इसलिए है ना इसलिए चीजें छोड़ देना चाहिए। बाकी आप सब चीजें खा सकते हैं, आलू छोड़िए और जो है चावल छोड़ दीजिए और रोटी कम से कम खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, ग्रीन सब्जियां ज्यादा खाइए, तो फ्रेंड्स से डायबिटीज का अपने वो कीजिए इलाज कीजिए खुद से और फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।